नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है, तो इसमें हम DSSSB के अंदर जो न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं उनके बारे में बात करेंगे और स्पेशल के बारे में भी बात करेंगे, या कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बच्चों के बहुत सारे आए थे मेरे पास, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अगर आपको काम अच्छा लगता है। और अगर आपके कुछ भी सजेशन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस पे मैं पर्सनली वीडियो बनाऊंगा, जो भी आपके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उन पे पहले वीडियो नहीं बनाई है तो उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए जो भी हेल्प हमसे होगी हम करेंगे। यहाँ पे हमने कमेंट ऑफ कर रखे हैं, इसका रीजन ये है कि हमारे चैनल पे फीमेल टीचर भी काम करती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी हमारी फीमेल टीचर को कोई मतलब ऐसी लोग बोल देते यार कुछ भी, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा सुनने को मिले। तो चलिए, अभी सबसे पहले तो भाई मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। कल मैंने एक बात बोली थी कि जो DSSSB के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो 11,163 मैंने बोल दिया था, स्क्रीन पे लगा दिया था, तो बच्चों के क्वेश्चन भी आए थे दो चार के कि सर अंदर तो आप कुछ और बता रहे हो बाहर कुछ और बता रहे हो। तो यार कई बार ना खुशी खुशी में कुछ ऐसा हो जाता है कि ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो वो एक्चुअल में कितनी है, 11,139 जो मैंने वीडियो के अंदर बोला था वही है, 11,139 है, ठीक है, 11,139, ठीक है। अब इसमें ये TGT की वैकेंसीज है और जो रिक्विजिशन DSSSB के पास भेजी जा चुकी हैं। अब यहाँ पे बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि सर ये तो रिक्विजिशन तो शायद तो फरवरी मार्च में भी भेजी जा चुकी थी, लेकिन अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उनमें हमने ये क्लियर किया था कि उनका कुछ रीजन रहा था तो इस वजह से वो वापस चली गई थी, जैसे कुछ EWS का मैटर अटक गया था तो इस वजह से वो चीजें वापस चली गई थी। फिर दोबारा, और हमने जब जुलाई में भी RTI लगाई थी हमारी टीम ने, तो उस टाइम भी हमें ये पता चला था कि वैकेंसीज कुछ भी अपडेट नहीं थी, लेकिन अब ये न्यू अपडेट थी तो मैंने आपको भी बताया कि हाँ ये ऐसे है। इसके बाद कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर स्पेशल पे क्या वर्क है। देखो यार, स्पेशल का मैंने आपको बताया था और बहुत सारे बच्चे यार माइंड में ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये बता रहे हैं इतने टाइम से बोलते आ रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। देखो यार, मैं आपसे हाथ जोड़ के सीधा ये बोलता हूं क्योंकि आप मेरा एक परिवार है। और एक बात ध्यान रखें, मैं DSSSB का मतलब यार कोई भी ना, तो मैं कोई ऑफिसर ना मैं कोई भी इंप्लॉई, इवन मैं वहां पे यार मैं क्या बोलते हैं PN भी नहीं वहां पे, ठीक है, मैं बहुत वहां से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलती है, जैसे अग्रवाल सर हो गए या आप में से भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपडेट दे देते हैं, और कई बार ऐसा होता है DSSSB में हमारी टीम, क्योंकि टीम में ऐसे लोगों को भी बोल रहा हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं, तो वो जाके वहां से कॉन्टेक्ट करते हैं, अपडेट लेके आते हैं, तो पता चलता है, तो हम उन चीजों को आप तक शेयर करते हैं और वो कोर्ट से भी अपडेट होती है। लेकिन कई बार उसमें भी क्या मतलब गवर्नमेंट क्या वो करती है, बोर्ड का क्या कुछ रहता है, कई बार उस चीज को रोक देते हैं, कई बार उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे TGT की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी, EWS का मैटर अटक गया था, लेकिन अब ये चीजें क्लियर है कि ये चीजें भेजी जा चुकी हैं। अब हालांकि मैंने पहले कुछ टाइम पहले बताया था आपको, अपडेट मिली थी कि ऐसे ऐसे एडवर्टाइज कभी भी आ सकता है, मैंने बोला था और मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था। अब ये चीजें यहाँ पे क्लियर ये भी हो गई कि ये सही है बिल्कुल, क्योंकि रिक्विजिशन भेजी जा चुकी है, अब उनको क्या करना है, सीधा एडवर्टाइज करना है, सारा जो मैटर था वो सॉल्व हो गया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, गवर्नमेंट जो भी कोई फाइल जाती है, EWS का मैटर था, अब उस पर डिस्कशन भी हुआ, कोर्ट में भी बात गई, सारी चीजें हुई, तो ऐसे तो है नहीं कि यार सिर्फ एक महीने में क्लियर हो जाए। गवर्नमेंट मैटर अब ये लगाओ मार्च अप्रैल से, अब ये कितने हुए, तो ये लगाओ 5-7-8 महीने आराम से लग ही जाते हैं इन चीजों में, गवर्नमेंट जो कोई भी मैटर होता है। तो अभी यहां पे अगर हम बात करें तो TGT की जो 11,139 वैकेंसीज यहां पे बनती हैं, और इसमें मेरे हिसाब से यार लगभग सभी वैकेंसीज आपकी देखने को मिल जाएंगी आपको। और इसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज ये भी आती है स्पेशल की, तो स्पेशल के लिए आज भी हमारे एक साथी गए हैं, DSSSB गए, तो उम्मीद है शाम तक कुछ ना कुछ और अच्छी अपडेट लेके आएंगे। तो ये टेंशन ना लो, आप लोग भी अगर हमारे साथ तो जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिए
इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अगर आपके पास भी कोई अपनी सजेशन है, कुछ है तो आप बता सकते हो। और इसके बाद बहुत सारे बच्चों के यार ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या पीआरटी की वैकेंसीज आ जाएंगे, या मतलब क्या और जो सब्जेक्ट्स हैं एनटीटी वगैरह, और खासतौर पर एक म्यूजिक वाला मैटर बहुत अटका हुआ है, म्यूजिक क्योंकि उसको रोक दिया गया था भर्ती को, और एडवर्टाइज के बाद उसे मतलब कैंसिल कर दिया गया, तो उसके बारे में भी हमने अपडेट लेने की कोशिश किया। लेकिन मैं अगर उसके म्यूजिक के बारे में बात करूं तो म्यूजिक वाले जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब जो भी साथी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या मतलब कोई भी अपना एक ग्रुप होता है तो उसमें एक लीडर होता है। लीडर का मतलब ये होता है कि भाई मान के चलो पीआरटी है, तो पीआरटी में एक बंदा बहुत सारे लोगों को लीड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपके उसमें भी कोई ऐसा बंदा है तो वो एप्लीकेशन लिखे, हमें दे पहले एप्लीकेशन, देखते हैं कि अगर वो सही होगी तो उस एप्लीकेशन को हम आगे पहुंचाएंगे, ठीक है। और यार काम ऐसे ही होता है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि म्यूजिक की जो कोई भी वैकेंसीज है आपके घर बैठने से आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता यार। तो एप्लीकेशन दें, जो भी हमसे सजेशन होगी हम आपको बताएंगे यार, कुछ ना कुछ तो आपको भी देखो घूमना पड़ेगा, ये ध्यान रखे, क्योंकि ये सरकारी काम है। यहाँ पे न्याय मांगने से नहीं, भटकने से, घूमने से, धक्के खाने से मिलता है, ठीक है। और इसके बाद पीआरटी की बात भी कर रहे हैं बहुत सारे, तो पीआरटी में डीओई में है काफी वैकेंसीज, तो डीओई के मैटर को पहले एक बार ये टीजीटी और स्पेशल का एक बार हो जाए क्लियर, क्योंकि यही बहुत टाइम से अटका हुआ है। और बहुत सारे बच्चे तो यार मुझसे वो करते हैं कि सर इतने टाइम से आप बोल रहे हो आए नहीं आए, इतना टाइम हो गया सर आप पागल बना रहे हो, यार मैं कुछ नहीं, मुझे जो अपडेट मिलती है मैं सिर्फ वो आपको बताता हूँ। हाँ मुझे ये पता है कि आप लोग मुझसे बहुत उम्मीद करते हो, आप लोग मुझ पे बहुत विश्वास करते हो, ये मुझे पूरा पता है, और इसी वजह से आप मेरी कही बात को समझते हो कि इस टाइम तक काम हो जाएगा। मुझे भी काफ़ी दुख होता है जब बोर्ड की तरफ से ऐसे कुछ रिएक्शन आते हैं, ऐसे कुछ मैटर को अटका दिया जाता है, तो मुझे भी बड़ा दुख होता है, और मैं खुद यार मुझे खुद आप लोगों के सामने आने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि आप लोगों को मेरी वजह से या मतलब दुख हो यार मेरी वजह से। तो पीआरटी की अगर बात करें तो पहले एक बार टीजीटी और ये स्पेशल की वैकेंसी आ जाए, फिर पीआरटी का पक्का करेंगे, ये ध्यान रखें, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, टीजीटी और स्पेशल की एक बार वैकेंसी आ जाए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, और वो बहुत ही जल्दी। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि और भी जो साथी है ना पीआरटी वाले या जैसे भी, तो वो भी प्लीज इन टीजीटी वालों को, स्पेशल वालों को सपोर्ट करें, जिससे इनकी वैकेंसी जल्दी आ जाए, और फिर ये साथी भी आपको सपोर्ट करें कि हाँ भाई आपके लिए भी कहीं आना जाना पड़े तो हेल्प हो जाए। तो उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा पीआरटी हो गया, इसके बाद एनटीटी वाली वैकेंसीज होगी, इसके बाद आपकी म्यूजिक की वैकेंसीज होगी, हालांकि एनटीटी की तो अब निकालनी ही पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ये तो आपको पता है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। लाइब्रेरियन वाली जो वैकेंसीज हो गई, या और भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपकी नज़र में भी कुछ अगर रह जाती वैकेंसीज तो वो भी आप बता सकते हैं। तो यही कुछ अपडेट्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, और करेक्शन मैंने ये करी है कि 11,139 वैकेंसीज थी, 11,163 खुशी खुशी में जल्दी जल्दी में मैंने वहाँ पे लिख दिया। हालांकि देखते हैं आज स्पेशल वाले एक हमारे साथी, नाम मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन वो गए हैं आज, क्योंकि नाम काफ़ी लोगों को, इवन जो जिन्होंने आरटीआई मुझ तक पहुंचाई है, क्योंकि हमारा एक क्या परिवार है, तो मुझ तक जिन्होंने आरटीआई पहुंचाई तो उन्होंने भी नाम बताने के लिए मना कर दिया था कि प्लीज़ हमारा नाम शेयर ना करें। तो अपना देखो यार हर किसी का रीज़न होता है, हम लोग तो यार पब्लिकली बोल देते, कई बार क्या होता है कि कुछ DSSB के एस्पिरेंट्स होते हैं तो वो नहीं चाहते कई बार उनको टारगेट बनाए जाए, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो लेट्स सी क्या होता है, उम्मीद है चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, सही रहेंगी, और इसके बाद बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर नोट्स के लिए, तो यार काफ़ी बच्चों का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे भी यार थोड़ा टाइम दीजिए, और किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मतलब आप गलत कर रहे हैं कुछ, और रही बात यार पैसे की, देखो स्पेशल का मैंने आपको बताया था कि जो मेटेरियल है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, उसका रीज़न क्या है कि हमारी स्पेशल टीम उसके लिए काम कर रही है, और हमें भी काफ़ी जगह से मेटेरियल लेना पड़ता है, और उसके लिए भी चार्ज देना पड़ता है, और स्पेशल के फिर इस वजह से थोड़ा, और यार 3 महीने की अगर हम आपसे 1,500 फीस ले रहे हैं, और उसमें भी यार किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बात करें,
और अगर हमें लगता है कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, देखो अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम वहां पे आपके लिए जो भी हो पाएगा, चाहे हमें अपनी तरफ से भी कुछ करना पड़े, मान के चलो आपसे ही थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा हमने किया तो आपको मेटेरियल भिजवा दिया, ठीक है। लेकिन ये नहीं यार, क्योंकि हमें भी आगे टीचर्स की भी पेमेंट देनी होती है, आगे भी पेमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। और एक दो और भी बंदे जो आप तक संपर्क करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं कि हाँ भाई क्या करना है, तो उनके लिए भी सोचना पड़ता है। तो हमारे पास मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स के लगभग नोट्स मिल जाएंगे, कुछ के नहीं है, वो भी हम तैयार कर रहे हैं। वो हम जैसे हमारे पास कोई मैसेज करता है तो उनको हम नोट कर रहे हैं, जैसे ही उनकी थोड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि जैसे अभी हमारे पास कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके नहीं है, हालांकि फर्स्ट पार्ट तो सभी के हैं, और डी ट्रिपल प्लस बी में जैसे आपके फाइन आर्ट्स के भी हमारे पास अवेलेबल हैं, काफ़ी साथियों को पहले प्रॉब्लम हुई थी, या इसके बाद और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एसएसटी के हो गए, ठीक है, या इवन लाइब्रेरियन के भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो भी कोई आपके सब्जेक्ट है सभी के लगभग अवेलेबल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, स्पेशल का मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स के लिए जो नंबर आपको दिख रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत बड़ी बात है, पैसा इतना बड़ा वो नहीं है, और पैसे के तो मैंने आपको बता दिया, आप कॉन्टैक्ट करें अगर किसी को बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है तो, उसके लिए जितना हमसे होगा हम आपके लिए करेंगे, ठीक है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। और मैसेज करें, जुड़े हमारे साथ, और जिनका रिप्लाई नहीं किया है उनसे मैं यार माफी चाहता हूँ। और यार ये लड़ लड़ के कब तक जीना, मुझे ये बताओ, बहुत सारे साथी नाराजगी। और रही बात, आपको एक बात और बता दूं, कुछ लोग ना डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक से कुछ नहीं होता, पहले तो ये समझ लीजिए, हालांकि वो भी अपना ही परिवार है डिसलाइक करने वाले भी, लेकिन डिसलाइक से कुछ होता नहीं है यार, क्योंकि डिसलाइक से ज्यादा आपको भी पता है मोदी जी के वीडियो पे भी कितने डिसलाइक हो गए थे इसके बाद कुछ और संजय दत्त की मूवी थी उसका ट्रेलर आया था उस पर कितने डिसलाइक हो गए, तो डिसलाइक से कुछ नहीं होता यार, मेरे तो इतने भी नहीं होते, मेरे तो प्लस में ही लाइक होते हैं, लाइक करने वाले साथ ही ज़्यादा होते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, तो उम्मीद करते हैं, और इसके बाद ज़रूरत पड़ी तो आरटीआई का आप लोग बता देना, अगर आरटीआई पब्लिकली दिखानी हो तो मैं उसका भी कुछ करता हूँ। चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।